हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुक विद मिथिलेश में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही बेसिक सी रेसिपी, गाजर का हलवा, जो सर्दियों में सबके यहाँ पर ही बनता होगा और सबको बनाना भी आता होगा। लेकिन सबको बनाने का तरीका अलग अलग होता है और सबके बनाने का टाइम भी अलग अलग होता है। किसी को बनाने में ज्यादा समय लगता है और किसी को बनाने में कम समय लगता है। तो आइए देखते हैं गाजर का हलवा बनाने की खास रेसिपी। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, वो भी हम 30 मिनट में बनाएंगे। 30 मिनट में देखते हैं गाजर का हलवा कैसे बन के तैयार होता है। जिसके लिए मैंने 3 किलो गाजर लिए, इनको मैंने अच्छे से छील कर धो लिया है। जब भी आप हलवा बनाने के लिए गाजर लें तो आप ध्यान रखें, इस तरह की गाजर बिल्कुल भी ना लें जो पीछे के साइज से बहुत ज्यादा मोटी होती है। इसमें जो येलो पार्ट होता है ये बहुत ज्यादा होता है और ये बहुत ज्यादा हार्ड भी होता है, तो हलवे का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा आता। ये खाली मैंने दिखाने की वजह से खरीदा। हमको जो गाजर खरीदनी है इस तरह की खरीदनी है जो पीछे से भी ज्यादा मोटी ना हो। इसका जो येलो पार्ट होता है ये बहुत ज्यादा कम होता है और ये खाने में भी इतना ज्यादा खराब नहीं लगता है। इस गाजर को हम बाहर निकाल देंगे। इसके साथ लिया मैंने 2 चम्मच देसी घी। हम खाली 2 चम्मच देसी घी से ही गाजर का हलवा बना के तैयार करेंगे और ये खाने में इतना टेस्टी लगेगा कि आप कभी भी बाजार का हलवा खाना पसंद नहीं करेंगे। इसी के लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध। दूध आप फुल क्रीम ले सकते हैं। सबसे पहले हमें गाजर को कट कर लेना है। इसको हम ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट नहीं करेंगे, इसको हम सिर्फ इस तरीके से काटेंगे। आप इसमें छोटे बड़े कैसे भी साइज कर सकते हैं। देखिए सभी गाजर को मैंने कट कर लिया है, इनको मैंने ज्यादा बारीक भी नहीं किया और ज्यादा मोटा भी नहीं किया। अब हम सबसे पहले मिक्सी में पीसेंगे। मिक्सी में इन्हें डाल के इनका हमें पेस्ट नहीं बनाना, सिर्फ दरदरा ही पीसना है। इसे हमें मिक्सी को पल्स पे चलाना है। ये देखिए, इसका हमें पेस्ट नहीं बनाना है, इसे हमें दरदरा ही पीसना है। मैं इसको पल्स पे चलाऊंगी। ये देखिए, मैंने इसे सिर्फ पल्स पे चलाया, 5 से 6 बार चलाया और हमारी गाजर दरदरी पीस करके तैयार है। ये देखिए, इसका हमने कोई पेस्ट नहीं बनाया, सिर्फ इसको दरदरा ही पीसा है। बस इसी तरह से मिक्सी में पीस के भी आप झटपट गाजर का हलवा बना सकते हैं और आप एक तरीके से और पीस सकते हैं। ये देखिए, गाजर को हम इलेक्ट्रिक चॉपर में भी पीस सकते हैं। इसमें गाजर को डाल करके बस इसको हमें पीसना। ये देखिए, इसमें भी एकदम दरदरा ही पीस करके तैयार होता है। मेरे यहाँ गाजर का हलवा पूरी सर्दी बनता है। हफ्ते में एक बार मेरे यहाँ पे गाजर का हलवा बनता ही है और मैं इसी तरीके से गाजर का हलवा बनाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल भी इसका पेस्ट नहीं बना है, बिल्कुल एकदम दरदरा ये पीस करके तैयार हुआ है। पांच से सात मिनट में ही हमारी 3 किलो गाजर इससे पीस करके तैयार हो जाती है, जिससे कि गाजर का हलवा बनाने में ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता, बहुत कम समय में ये बन करके तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपना लास्ट बैच भी पीस करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा लास्ट बैच भी पीस करके तैयार है। 3 किलो गाजर को घिसने के लिए सिर्फ 5 मिनट का ही समय लगा है। 5 मिनट में हमारी 3 किलो गाजर घिस करके तैयार है। अब हम हलवा बनाना स्टार्ट करेंगे। हलवा बनाने के लिए गैस पे रखेंगे एक कुकर। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। इसमें हम डालेंगे अपनी गाजर। गाजर को 5 मिनट घी में अच्छे से भूनना है हमें। गाजर को पकते हुए 5 मिनट का समय हो गया। अब इसमें हम लगाएंगे ढक्कन और इसमें 3 सीटी हमें लगानी है। इतने हमारी सीटी आती है, इतने हम अपना दूध पका करके तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में डालेंगे हम 1 लीटर दूध और दूध को हमें अच्छे से पका लेना। दूध हमारा पकते पकते आधा हो गया, इसको पकते हुए 10 से 12 मिनट का समय हो गया। अब हम अपनी गाजर चेक करते हैं। देखिए, गाजर भी हमारी अच्छे से गल चुकी है।
अब हम इन गाजर को डालेंगे दूध में। ये देखिए 10 मिनट में हमारा दूध भी पक करके तैयार है और हमारी गाजर भी अच्छे से पक करके तैयार है। बस हमें 10 से 15 मिनट और पकाना है और 30 मिनट में हमारा गाजर का हलवा बन करके तैयार हो जाएगा। गाजर को दूध के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए तेज गैस पे पकने देंगे। इस तरीके से अगर आप गाजर का हलवा बनाओगे तो एक तो बनने में बहुत कम समय लगेगा और खाने में इतना टेस्टी लगेगा कि आप बाजार का हलवा खाना कभी पसंद ही नहीं करेंगे। गाजर और दूध को पकते हुए हमारा 5 मिनट हो चुके हैं और दूध हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है गाजर के साथ। अब हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी चीनी। लेकिन ध्यान रखिए कि गाजर भी थोड़ा मीठी होती है, इसलिए चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा डाल सकते हैं। चीनी अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए हमें और इसे पकाना है तेज गैस पे ही। देखिए अभी हमारा हलवा बना भी नहीं है और अभी से इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। अगर आप इस तरीके से गाजर का हलवा बनाएंगे तो आपका गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनकर के तैयार होगा। हलवे को पकते हुए 5 मिनट का समय हो गया और चीनी भी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है और चीनी का पानी भी अच्छे से पक चुका है। इसमें डालेंगे आधा चम्मच देसी घी। 5 मिनट के लिए इसे तेज गैस पे और पकाएंगे। चीनी का जितना भी पानी था सब अच्छे से सूख चुका है। देखिए अब सिर्फ हमें इसे 5 मिनट के लिए और पकाना है तो गाजर का हलवा हमारा बनकर के तैयार हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ये मैंने काजू बादाम पिस्ता लिया, आप जो भी अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। गाजर का हलवा हमारा बन करके तैयार है। इसमें डालेंगे हम बचा हुआ आधा चम्मच देसी घी। और साथ में ही डालेंगे थोड़ा सा मावा। ये मैंने 100 ग्राम मावे का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसमें मावा डाल सकते हैं, नहीं अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। मावे को मिक्स करके गैस की फ्लेम को बंद कर दें। गाजर का हलवा हमारा बनकर के तैयार है। इसको हम सर्व करेंगे। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा डालेंगे ऊपर से मावा। थोड़े से डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। देखिए 30 मिनट में हमारा गाजर का हलवा बनकर के तैयार हो गया है। खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बहुत ही जल्दी बनकर के तैयार हो जाता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।